YouTube चैनल कॉमर्स विद कनोजियामा। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन। चैप्टर नंबर 13 है ये हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 13 है ये। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इंट्रोडक्शन की रजिस्ट्रेशन क्या है। The registration aims at creating a special class of persons to collect tax and operate the system properly. देखिए registrations का aim क्या है कि एक special class persons हैं उनको क्या करता है, create करता है किस लिए, to tax को collect करने के लिए और system को properly चलाने के लिए। ठीक है, अंडर जीएसटी लॉ ऑल पर्सन और एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन बाइंग और सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बोथ आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी। देखिए जीएसटी में क्या है, जो भी पर्सन्स सेलिंग और बाइंग कर रहे हैं गुड्स की या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। अनरजिस्टर्ड पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर और क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड और कुड बी पेनलाइज्ड। देखिए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है आगे वो भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पेनलाइज्ड होंगे। ठीक है, अगे फर्दर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी वंस एन एंटिटी क्रॉसेस द मिनिमम थ्रेशहोल्ड टर्नओवर। देखिए रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी के अंदर होता है वो एक मैंडेटरी बन जाता है जब आप एक थ्रेशहोल्ड जो टर्नओवर की लिमिट है वो क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, एनी बिजनेस इन इंडिया दैट सप्लाइज गुड सर्विसेज विद टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख 10 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स हैज टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कोई बिजनेस है इंडिया के अंदर अगर वो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो उसे जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। इन प्रेजेंट लेसन प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं क्या क्या फॉलो किए जाएंगे वो सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया इसका, अब देखिए आगे। तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ऑल पर्सन इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी। बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओगे, आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो अपने कस्टमर से और आप ITC को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो और नॉन रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट सेल्स, और इंटरस्टेट सेल्स अगर आप करना चाहते हो तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि देखिए इंटरस्टेट सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई यानी अपनी ही स्टेट के अंदर सप्लाई करना, इंटरस्टेट सप्लाई यानी कि अपनी स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में सप्लाई करना। ठीक है, तो हम दूसरे स्टेट में भी सप्लाई कर सकते हैं जब हम जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। आगे देखिए बेनिफिट वही दिखा है, कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या होगा, टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं आप, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, आगे आ जाइए। पर्सन लियाबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, देखिए कौन कौन से पर्सन लियाबल होते हैं, मतलब उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि अब उन्हें जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। सेक्शन 22, कौन कौन से पर्सन लियाबल होते हैं रजिस्टर होने के अंदर जीएसटी के अंदर। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 फॉलोइंग पर्सन लियाबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। देखिए पर्सन लियाबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22, कौन कौन से पर्सन लियाबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, एक नॉर्मल सप्लायर जो कि स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर चुका है, यानी अपने 20 लाख की जो भी लिमिट है टर्नओवर की अगर वो क्रॉस कर चुका है तो एक नॉर्मल सप्लायर भी को भी जीएसटी के अंदर एनरोल होना पड़ेगा। देन पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, तो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट लॉ टैक्स लॉ, देखिए जब पहले इनडायरेक्ट टैक्स जो लॉ था अब वो डायरेक्ट टैक्स लॉ बन गया है। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ से अगर वो बंदा माइग्रेट हो रहा है और डायरेक्ट टैक्स के अंदर जा रहा है
दैट मीन्स उसे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर एनरोल होना पड़ेगा। ट्रांसफ़र इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, अगर किसी पर्सन ने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया है तो उसके अंदर जो ट्रांसफ़री पर्सन है उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर एनरोल होना पड़ेगा। देखिए जब ट्रांसफ़र होता है किसी बिजनेस का, उसमें दो पार्टी होती है, एक ट्रांसफ़रर होता है, एक ट्रांसफ़री होता है। ट्रांसफ़रर जिसने बिजनेस ट्रांसफ़र किया है, और ट्रांसफ़री जिसको बिजनेस ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसके पास नया बिजनेस आया है तो उस बिज़नेस से रिलेटेड अब उसे जीएसटी में एनरोल होना पड़ेगा। आगे है ट्रांसफ़री इन केस ऑफ अमालगामेशन और डीमर्जर। देखिए जब मान लो दो या दो से ज़्यादा कंपनी अमालगामेट हो रही है या डीमर्ज हो रही है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, जब एक कंपनी बन रही है तो उसे जीएसटी के अंदर अलग से एनरोल होना पड़ेगा, जब डीमर्ज हो रही है तो दोनों को अलग अलग जीएसटी में एनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं इनको एक सीरीज के अंदर। नॉर्मल सप्लायर क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट, अगर स्पेसिफाइड लिमिट उसने क्रॉस कर दिया तो देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको अब वो लिमिट बताएंगे जो एक बोल रहे हैं ना, आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो आपको जीएसटी के अंदर एनरोल होना पड़ेगा, तो वो लिमिट है क्या। थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। ठीक है, तो देखिए अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख रुपीस है आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख रुपीस है। ठीक है, अ पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन अ जनरल कैटेगरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, अगर एक पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या तो नॉर्मल जनरल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सर्विसेज के अंदर है 20 लाख और गुड्स के अंदर है 40 लाख। ठीक है, और 10 लाख रुपीज़ है एक पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और स्टेट डिफाइंड इन आर्टिकल 279A सबसेक्शन 4 सबसेक्शन जी के अंदर जो पार्ट है उसके अंदर जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, उन उन स्टेट्स के अंदर आने वाले अगर पर्सन सप्लाई कर रहे हैं तो उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट होगी 10 लाख। अब कौन कौन से जो स्टेट आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, वो हैं असम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम आर कंसीडर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 279A के अंडर। ठीक है, सब क्लॉज है जी और क्लॉज है 4। ठीक है, 4 क्लॉज का सब क्लॉज जी पार्ट के अंदर 279 सेक्शन ए के अंदर। आगे देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर, अब देखो ये जो है ना एग्रीगेट टर्नओवर बोलता है कि हमारे 20 लाख 40 लाख से अब होना चाहिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है, तो देखिए पर्टिकुलर उसमें देखा है एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हैं उसकी सारी वैल्यू उसके अंदर ऐड करोगे, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई थी यानी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना वो ऐड करोगे, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि आपने गुड्स और सर्विसेज जो भी एक्सपोर्ट करी है उनकी वैल्यू ऐड करोगे, वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि आपने जो इंटरस्टेट सप्लाई करी है उन पर्संस को और उनके सेम पैन कार्ड है, पैन नंबर सेम है उनके, वो ऐड कर दोगे वैल्यू, और उसमें से लेस क्या करोगे, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, वो सारे लेस कर दोगे, लास्ट में एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा। वो एग्रीगेट टर्नओवर आप देखोगे कि वो भैया गुड्स के मामले में 40 लाख से ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा है तो आपको जीएसटी के अंदर एनरोल होना पड़ेगा, अगर अगर आप सर्विसेज के मामले की बात कर रहे हैं, सर्विसेज में आप काम करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं सर्विसेज की, तो आप 20 लाख अपना टर्नओवर देखेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, फर्स्ट आ गया नॉर्मल सप्लायर, जब वो अपनी
टर्नओवर को, मतलब जो आपका एक स्पेसिफाइड लिमिट है क्रॉस कर जाएंगे, वो वाला हो गया हमारा। अब है पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग टैक्स लो, या एग्जिस्टिंग टैक्स लो है उससे माइग्रेट हो रहा है पर्सन। तो देखिए इसको ही देख लीजिए आप, जो ये फ्लो चार्ट बना रखा है, पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स लो सेक्शन 22 सब सेक्शन 2, एवरी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लॉ जो पहले चलता था इनडायरेक्ट लॉ, यानी सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स CST वेट, जो इसके अंदर पहले एनरोल था रजिस्टर था, वो शैल बी लियबल टू रजिस्टर्ड, उनको रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर GST एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, जो अपॉइंटेड डे है उसके इफेक्ट से, ठीक है, मतलब उसी दिन से। थर्ड देखिए, ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, जिस दिन उसने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सेक्शन 22 सब सेक्शन 3, पर्सन लियबल टू बी रजिस्टर्ड ट्रांसफरी और द सक्सेसर, यानी जिसके पास वो बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ है वो रजिस्टर्ड होने के लिए लियबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र और सक्सेशन, यानी कब, जिस दिन वो, मतलब उस डेट से जिस दिन उसका सक्सेशन हुआ है, या फिर क्या हुआ है, बिजनेस का ट्रांसफ़र हुआ है। सक्सेशन होता है आगे उत्तराधिकार के रूप में उस बिजनेस को आगे किसी के और के पास ट्रांसफ़र करना। फोर्थ है ट्रांसफर इन केस ऑफ अमालगमेशन ऑफ डिमर्जर, या तो अमालगमेशन हुआ है बिजनेस का या फिर डिमर्ज हुआ है बिजनेस, तब देखिए क्या होगा। इन केस ऑफ अमालगमेशन और डिमर्जर सेक्शन 22 सब सेक्शन 4, ट्रांसफर परसुएंट टू सेंक्शन ऑफ अ स्कीम और एन अरेंजमेंट फॉर अमालगमेशन, देखिए जो ट्रांसफ़र परसुएंट हुआ है किसके रिगार्डिंग, जो स्कीम है अरेंजमेंट फॉर अमालगमेशन, यानी उसके लिए, मतलब उस बिजनेस का अमालगमेशन हुआ है, और या तो फिर डिमर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज परसुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, या फिर डिमर्ज हुआ, या तो मतलब स्कीम लगी है किस चीज़ की, अमालगमेशन की, या फिर डीमर्ज हुआ है एक बिजनेस, तो पर्सन लियबल टू रजिस्टर ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफ़र हुआ है आगे बिजनेस, अमालगमेट होके जिसको बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ है उसको लियबल होगा कि वो GST में एनरोल हो, या फिर डीमर्ज होने के बाद जो ट्रांसफरी उसके अंदर होगा वो उसके अंदर क्या होगा, GST के अंदर उसको एनरोल होना पड़ेगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट्स टू सच ऑर्डर, देखिए कहाँ कब से स्टार्ट होगा, जब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होता है ना वो प्रोवाइड कर देगा, तब से जो है वो उसको एनरोल होना पड़ेगा GST के लॉ के अंदर, ठीक है। अब देखिए हमने सेक्शन 22 किया कि पर्सन कौन कौन से होते हैं जो लियबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, अब हम सेक्शन 23 पढ़ते हैं कि कौन कौन से पर्सन हैं जो लियबल नहीं होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। पर्सन नॉट लियबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23, सेक्शन ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए पर्सन नॉट लियबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 or 10 lakh rupees, देखिए अगर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ही नहीं होगा, उतने के लिमिट में ही रहेगा, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है कि GST के अंदर एनरोल कराए, ठीक है। नॉट लियबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, ठीक है, 23 सब सेक्शन 1, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स, ये तो डज नॉट एक्सीड है तो नॉट लियबल हो जाएगा, और एक्सीड जाता है 20 lakh से और 10 lakh rupees से, तो इवन देन पर्सन नॉट लियबल, एक्सीड भी हो जाता है तो भी पर्सन नॉट लियबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जो पर्सन अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है यानी टैक्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, तो उसे ज़रूरी नहीं है, चाहे वो अपनी, मान लो मैं हूँ, मैंने 20 or 10 lakhs वाली जो एक लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट उसे क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो यानी कि मुझे अब GST में एनरोल होना पड़ेगा एक तरह से, लेकिन मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रही हूँ, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रही हूँ जो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं GST में एनरोल हूँ, ठीक है।
supply is not liable to tax और supply wholly exempt from tax. The person making exempted supply या तो उसके अंदर tax के अंदर liable ही नहीं है या फिर proper तरीके से exempt supply कर रही हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है मुझे कि मैं GST के अंदर enroll हूँ. आगे है एग्रीकल्चरिस्ट सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 और उसका बी क्लॉज है सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड. देखिए अगर आप जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी सप्लाई कर रहे हैं जो कल्टीवेशन से जो भी प्रोडक्ट निकला है अगर उसकी सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी के अंदर एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी के अंदर एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट प्रोडक्ट हैं जो भी कल्टीवेशन से मतलब कि जो भूमि के यानी जो प्लेस के कल्टीवेशन फील्ड के कल्टीवेशन होने से जो भी प्रोड्यूस निकलता है अगर उसके अंदर डीलिंग कर रहे हैं तो भी आप लियाबल पर्सन नहीं है कि आपको जीएसटी के अंदर एनरोल होना पड़ेगा. ठीक है. आगे है स्पेसिफाइड कैटेगरी पर्सन के अंदर आप आते हो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर आते हो. गवर्नमेंट ने आपको स्पेसिफाइड कैटेगरी में डाला हुआ है जिसके अंदर आपको जीएसटी के अंदर एनरोल होना जरूरी नहीं है तो भी आप एक ऐसे पर्सन हो गए जो जीएसटी के अंदर एनरोल जरूरी नहीं है जिनका. ठीक है. ये वही एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाला आ गया एग्रीकल्चरिस्ट स्पेशल कैटेगरी. द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ द पर्सन वो में भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर. भाई गवर्नमेंट भाई किसी काउंसिल के थ्रू अगर एक नोटिफिकेशन दे सकती है स्पेसिफिक पर्सन को कि ये पर्सन जीएसटी के अंदर एनरोल होने से क्या है बाहर है मतलब इसको जरूरी नहीं है एग्जेम्प्ट है इस चीज़ से. तो ये हो गए पर्सन लियाबल. हमने सेक्शन 22 करा इस वीडियो के अंदर और 23 कंप्लीट करा कि पर्सन कौन कौन से लियाबल होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन से नॉट लियाबल होते हैं. ठीक है. तो आई होप स्टूडेंट ये जो वीडियो थी आपको समझ में आई क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन का जीएसटी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन जरूर आना है इस चैप्टर के अंदर. तो हमने इसके अंदर कंप्लीट कराया सेक्शन 22 और सेक्शन 23 पर्सन लियाबल टू एनरोल इन जीएसटी और पर्सन नॉट लियाबल टू रजिस्टर इन जीएसटी रजिस्टर और एनरोल जो भी है सेम बात है. ठीक है. तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आज का और आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से पर्सन को जरूरी है कि वो जीएसटी में एनरोल हो कौन कौन से पर्सन को जरूरी नहीं है कि वो जीएसटी में एनरोल ना हो. तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स.